हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं द्विघात समीकरण के तीन वीडियो में आपको जो बताया हूं और उसके बाद चौथा वीडियो में मैं द्विघात समीकरण के कुछ और सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए आज का वीडियो, आज का टॉपिक क्या है, तो इस पर देखिए। पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक समीकरण जो आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यदि इसके बताया गया कि क्योंकि उच्चतम घात कितना है, दो है, तो द्विघात समीकरण हुआ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो गया, तो द्विघात समीकरण पूरा जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण बचेगा नहीं। यदि ये बचेगा तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, इसलिए ये ए नहीं जीरो होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, मतलब एक मूल मैं क्या मान लिया अल्फा, दूसरा मूल क्या हो गया बीटा। तो इसके जो सूत्र बनाएंगे, पहला जो सूत्र है देखिए, मूलों का योगफल, इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलों का योगफल, मतलब दोनों मूल लिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स में क्या गुणा है बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो चाहे इसको बोलिए चाहे इसको, दूसरा मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा या करके अचर पद, मतलब अचर पद तो ए बी सी है लेकिन इसमें एक्स लगा हुआ है, मतलब चर हो गया, तो ये सी जो है अचर पद है, सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ये हो गया आपका दो सूत्र इससे। और जो तीसरा सूत्र है, यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों, यदि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र जो होता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। यह है सूत्र। अब इस पे हम क्वेश्चन कुछ बताएंगे। देखिए कि क्वेश्चन क्या है, कि इस पे कैसे मूलों का योगफल द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो कैसे मूलों का योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और यदि मूल दिया रहेगा तो कैसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं और इसको मैं पहले बताऊंगा मूलों का योगफल कैसे निकाला जाता है और कैसे गुणनफल निकाला जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है कितना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर
इक्वल टू जीरो। इससे हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो पहले देखिए मूलों का योगफल, सूत्र क्या लिखवाया गया, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि इसको नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस सूत्र में है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस फोर रूट थ्री, माइनस फोर रूट थ्री अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है थ्री। तो यह आया कितना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस फोर रूट थ्री अपान थ्री, ये पहला आ गया। और इसका मूलों का योगफल, इसका जो मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम लिख सकते हैं सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है ए, और ये बी सी, सी के स्थान पे फोर, ए के स्थान कितना है थ्री। तो आया कितना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर रूट थ्री अपान थ्री। ये इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है ये बताया गया। और शेष दो क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करिएगा। और मैं अगला जो क्वेश्चन लूँगा वह द्विघात समीकरण बनाने को बनाया कैसे जाता है यदि मूल ज्ञात हो तो। तो देखिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल दिए रहेंगे तो द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, इसमें यदि मूल दिया गया द्विघात समीकरण के मूल जैसे दिया जाए टू और उसके बाद माइनस थ्री हो तो द्विघात समीकरण बनाइए। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, पहले मूल को अल्फा बराबर दो, दूसरे मूल को बीटा माइनस थ्री, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र बताया है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसमें मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान कितना है टू, बीटा के स्थान पर माइनस थ्री, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस टू, बीटा के स्थान पर कितना है माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इसको सरल करिए माइनस वन आएगा माइनस माइनस प्लस, एक्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस से माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन इसी में और ले रहे हैं, जैसे मूल दिया गया टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री हो तो द्विघात समीकरण बनाइए। फिर हल करते समय अल्फा बराबर टू प्लस रूट थ्री, बीटा बराबर टू माइनस रूट थ्री, फिर द्विघात समीकरण का सूत्र लगाइए। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। देखिए मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे देखिए टू प्लस रूट में थ्री प्लस बीटा के स्थान पे टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस
अल्फा के स्थान पे 2 प्लस रूट 3, बीटा के स्थान कितना है 2 माइनस रूट 3 जी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, और दो दो कितना हो जाएगा 4। एक्स यहाँ पे देखिए सूत्र बन रहा है, इसको यदि हम ए मानेंगे इसको भी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक ए माइनस बी, वर्गांतर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे प्लस, ए के स्थान पर कितना है 2, 2 कवर करेंगे कितना 4, माइनस बी, बी के स्थान पर रूट 3, रूट 3 कवर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको सरल करेंगे कितना आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बना द्विघात समीकरण। तो कुछ एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, वो आप अपने से सरल करिएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, मूल दिया गया है 5 प्लस रूट 2 तथा 5 माइनस रूट 3। चौथा एग्जाम्पल 5/3 माइनस 5/3। दो क्वेश्चन आप अपने से सरल करिएगा।